सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में। बात करने वाले भाई बड़े मियां छोटे मियां के फर्स्ट डे कलेक्शन को लेकर बात करेंगे। माय प्रेडिक्शन फॉर फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ बड़े मियां छोटे मियां, उसको लेकर बात करेंगे। और मैं आप सभी को जो है भाई बता देता हूं, जो बड़े मियां छोटे मियां का इस समय बुक माई शो पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 33+ K है, यानी कि 33,000 से ज्यादा जो है अभी तक बुक माई शो पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और अभी बात की जाए टीजर और सॉन्ग अभी तक किस तरीके से रहे हैं, उस तरीके से जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मतलब क्या ओपनिंग रहने वाली है। वैसे जो ट्रेलर है वो बताया जा रहा है कि भाई वो धमाकेदार होगा, यानी कि बड़े मियां छोटे मियां का जो ट्रेलर रहने वाला है ना वो बहुत ज्यादा धमाकेदार रहेगा। तो अभी जो है ज्यादा जल्दी हो जाएगी प्रिडिक्शन पर, जो भी है प्रिडिक्शन वीडियो आपने कही थी तो इसलिए लेकर आ रहा हूं, वरना मैं सोच रहा था ये प्रिडिक्शन वीडियो आती मतलब जो है ट्रेलर आने के बाद, क्योंकि ट्रेलर में बहुत कुछ ऐसा एलिमेंट है, ऐसी चीजें हैं जो आप देखकर आप खुद ही बोलोगे कि हां भाई अब जो है बड़े मियां छोटे मियां के लिए हम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। पर मैं आप सभी को उसी वे में बताने वाला हूं, अगर आप ट्रेलर देखोगे उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसी तरीके मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं माय प्रेडिक्शन क्या रहेगी बड़े मियां छोटे मियां के डे वन कलेक्शन को लेकर। मैं आपको बता देता हूं, वैसे अभी तक जितनी भी चीजें रही है, चाहे सॉन्ग की बात कर लो, टीजर की बात कर लो, टीजर आया जिस समय हमें लग रहा था भाई धमाकेदार है सब कुछ और वैसा ही चल रहा है अभी तक बात की जाए तो। पर उसके बाद जो है भाई सॉन्ग वगैरह मतलब जो है हां किए है, जो ऑडियंस है उसके साथ कनेक्ट कर पाई, पर इतनी ज्यादा नहीं कनेक्ट हुए सॉन्ग जो होने चाहिए थे। एक जो वायरल सॉन्ग चाहिए था ना हमें, अभी तक वो जो वायरल सॉन्ग है अभी तक नहीं मिला है। अभी मतलब बिल्कुल सही उसमें बात की जाऊं, एज अ फैन ना बात करूं, बिल्कुल नॉर्मल उससे बात करूं, तो अभी जो है ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पा रही है, जो सॉन्ग की बात हो या बाकी चीजों को लेकर हो। अब जो दो सॉन्ग आया बड़े मियां छोटे मियां टाइटल ट्रैक, उसने अच्छा खासा थोड़ा बहुत जो है बज बनाया मूवी का, फिर ठंडा हो गया थोड़ा सा बज। उसके बाद जो है फिर हमें देखने को मिला सेकंड सॉन्ग मस्त मलंग झूम, उसका भी बज बना रहा कुछ दिन, फिर जो है अब माहौल ठंडा हो चुका है दोबारा से। वैसे भी उससे पहले जो है एक इवेंट ऑलरेडी लखनऊ में कर चुके हैं, तो अब जो टीम है थोड़ा सा जो है चीजों को लेकर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, तो जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था लखनऊ में, तो थोड़ा सा जो ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के जो है प्रमोशन को लेकर रख रही है इस समय। पर हाँ ये तो है, हम ये तो कह सकते हैं जो ग्राउंड लेवल पर हमें जो होर्डिंग्स वगैरह है बाकी चीजें है वो तो हमें अभी इस समय तो भाई अच्छी खासी देखने को मिल रही है, और हमें आने वाले समय में और भी जो है आपको मस्त मस्त चीजें देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको जिस समय ट्रेलर लॉन्च हो, ट्रेलर लॉन्च इस तरीके से किया जाए जैसे कि जो है हवा में से जो है स्काई डाइविंग कर रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ धमाकेदार इंटरेस्टिंग चीज की जाए, एयरप्लेन पे खड़े होकर कुछ अलग चीज कर रहे हैं, जैसे जो पोस्टर है लेकर बड़े मियां छोटे मियां का, तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर बड़े मियां छोटे मियां के प्रमोशन से रिलेटेड। पर अभी जो दोनों सॉन्ग है, टीजर अच्छा था, मैं ये नहीं कहूंगा भाई टीजर जो है मतलब बुरा था या बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पर हाँ ये था कि उसमें हमें ये अक्षय कुमार सर का बाइक स्टंट देखने को मिला, टाइगर श्रॉफ के कुछ स्टंट दिखाए, ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है। पर बात की जाए अब जो फिर उसके बाद बिहाइंड द सीन भी आया था एक, जिसमें हमें जो है चीजें और पता चली, फिर थोड़ी सी ऑडियंस को पता चला कि भाई रियल एक्शन हो रही है, क्योंकि रियल स्टार्स है तो रियल एक्शन हो रही है। और जो डायरेक्टर साहब ने और अपने प्रोड्यूसर है अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ ने, सभी ने बताया उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा सेट पर, तो सभी ने सारी चीजें जो है बात की भाई बड़े मियां छोटे मियां से रिलेटेड। उसके बाद अब जो वेट है थर्ड सॉन्ग वो है वल्ला बीबी, जो हमें जो है 11-12 को देखने को मिल जाएगा। और उससे पहले आप सभी को जो है, हो सकता है आपको मंडे को देखने को मिल जाए सॉन्ग, उससे पहले आप सभी को जो है मतलब 11 तारीख को तो सबसे पहले आपको सॉन्ग देखने को मिल जाएगा, उससे पहले आप सभी को जो है भाई टीजर देखने को मिल जाएगा वल्ला बीबी सॉन्ग का। और बात कर लेते हैं जो प्रिडिक्शन क्या रहने वाले, मतलब अभी तक जो चीजें चल रही है उस हिसाब से भाई 30+ करोड़ है अभी के लिए। ट्रेलर से जो है हाइप बनती है भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल, ट्रेलर अगर कैची रहा मतलब जो है मजेदार रहा और ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाई और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कुछ ऐसी वो कहते हैं भाई कुछ बैंग धमाका एकदम से कुछ ऐसा हमें देखने को मिल जाता है उसमें, तो भाई फिर तो जो है आप मान सकते हो 50+ जो है जा सकती है। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई अक्षय कुमार सर एक तो मूवी अपनी इतने दिनों के बाद मतलब इतना लंबा गैप लेकर आ रहे हैं पहली बात तो ये, और एक्शन मूवी लेकर आ रहे हैं, तो भाई ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भाई ये तो मेरी प्रिडिक्शन है कि भाई 30+ करोड़ अगर जो है ट्रेलर ने उतना नहीं कर पाया, मतलब कैची नहीं रहा, मतलब जो बैंगर जो कहते हैं ना भाई बिल्कुल धमाकेदार जो ट्रेलर है वैसा नहीं रहा, तो फिर जो है 30+ करोड़ हमें ओपनिंग देखने को मिलेगी। वरना अगर जो कनेक्ट कर जाती है ऑडियंस इस मूवी से और जो स्टोरी लाइन है उससे और थोड़ा समझ जाती है जो मतलब जो जिस तरीके का ट्रेलर अच्छा रहता है, तो फिर तो भाई धमाका होने वाला है, टेंशन ना लो, 50+ करोड़ जो है ओपनिंग हमें देखने को मिलेगी। और मैं ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही घुमा फिरा कर नहीं कह रहा हूँ भाई, चीज़ें अभी तक जिस तरीके से रही है उस हिसाब से कह रहा हूँ। और अभी भी जो होर्डिंग वगैरह है, अली अब्बास जफर इस चीज़ को बहुत अच्छा खासा जानते हैं, और जो वो कर रहे हैं इस समय होर्डिंग
वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है मूवी रिलीज होने में, वो आने वाले जो है आप 10 से 15 दिनों में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ये भी मैं वादा करता हूँ आप सभी को, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला आप सभी को। और बाकी तो यार और भी चीज़ें निकल कर आती रहेगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए तो भाई वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। तो यार आप बता सकते हो कैसी लगी आपको वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।